ओसीडी 3 दिन में खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी होगी 3 दिन में समाप्त, किस तरीके से होगी, क्या कुछ हमें अप्लाई करना होगा। आज के इस वीडियो में हम काफी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी को 3 दिन में हम किस तरीके से समाप्त कर सकते हैं। ओसीडी को आप ठीक कर सकते हो सेल्फ सजेशन मेथड के द्वारा। सेल्फ सजेशन मेथड को अब हम समझेंगे। सेल्फ सजेशन मेथड होता है कि जिसके अंतर्गत आप अपने आप को कुछ सुझाव देते हो। किस तरीके के सुझाव, अब इसको हम समझेंगे। सुझाव ऐसे आपने अपने आप को देना है। मैं बहुत बार जब ऑफलाइन इसमें करवाता हूं तो मैं सफरर को बोलता हूं कि सपोज करो आप मेरी जगह बैठे हो, आप एक थेरेपिस्ट काउंसलर हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो और आपके सामने एक एबनॉर्मल इंसान को ला करके बिठा दिया गया है और आपको उसे कुछ सजेशन देने हैं। क्या सजेशन दोगे? अब वह जो सजेशन होते हैं ना, वो सीधे नहीं देने होते, उनको आप नोटबुक पेन लीजिए और उसके ऊपर नोट करके उसको लाइन वाइज उसको समझा दीजिए कि आप जो सफरर हो ना, आपको ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये इस तरीके से करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। तो ये आपके लिए सेल्फ सजेशन होगा। अब जो आपको काम सौंपा गया है इसके अंतर्गत तो आप यह सजेशन जो एबनॉर्मल इंसान है उसको दे रहे हो, परंतु आपको इसकी सटीकता का पता चल जाता है कि हाँ, यदि यह सब चीजें कोई इंसान करता है तो उससे इस तरीके का रिजल्ट मिल सकता है। और वही चीजें मैं आपसे खुद के बारे में करने के लिए बोल रहा हूं कि जो आपने सजेशन नोटबुक में लिखे हैं और सामने वाले को परोसे है ना, सामने वाला कौन है, आप ही तो हो, हमने मान करके ही तो रखा है। इसमें आप अपने आप को यह सारे फॉर्मूले परोस दीजिए। अब आपने परोसा है, उसके अंदर आपने उसको सजेशन भी दिया होगा कि आपने जो ओसीडी का वहम पाला है, यह वहम है, इसको इस तरीके से प्रूफ किया गया है, इसको इस तरीके से समझा गया है, आपको ये करना होगा, ये नहीं करना होगा, इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए, ये ऐसे पहचानिए, इसका ये क्राइटेरिया ऐसे बन रहा है, ऐसे बनता है, तो आपने इस तरीके से इसको डाइवर्ट करना है, इसके अंदर ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करिए, उससे आपको ये रिलीफ मिलेगा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। परंतु जो ये जो सेशन हम करवाते हैं ना, ये करवाते हैं 6 से 8 सेशन के बाद में, तब तक हम आपका ट्रीटमेंट 50 से 60% कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सेल्फ सजेशन मेथड के लिए अप्लाई करवाया जाता है कि हाँ अब आप अप्लाई करवाइए, तो वहां आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलता है। अब अगर आप पिछले कुछ समय से हमारे साथ बने हुए हो और हमारी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो तो यह बात आप समझ सकते हो कि इसके अंदर आपको अपने आप के लिए क्या सजेशन देना है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले आपने हमारे चैनल पे विजिट करना है और पीछे जितने वीडियोज आए हैं उनको देखना है। उसके बाद में आपने अपने आप को सेल्फ सजेशन देना है कि इस तरीके से आप एक सफरर हो और आपको इस तरीके से ये करना चाहिए और ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। इस तरीके से आप उसके अंदर सजेशन दोगे ना, वो नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक्शन की कमी हो रही है, एक्शन की जो कमी नजर आ रही है ना, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ रुका हुआ है। तो जब आप यह एक्शन लेना शुरू कर दोगे ना, तो एकदम से ग्रोथ आपको मिलने लगेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा और बहुत कुछ मिलेगा आपको इसके अंतर्गत। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि सेल्फ सजेशन मेथड के द्वारा आप अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिखित में इस फॉर्मूले को आपने पहले अप्लाई करना है, फिर इसको आपने प्रैक्टिस में लाना है और जैसे ही आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।